नमस्कार, मैं उनकी तरह आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब से उत्तर प्रदेश को भी साध लिया है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ लेने के साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जातिवाद देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। ऐसे में यूपी के राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि जल्द ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। जी हाँ, साथ ही कांग्रेस पार्टी के साथ भीम आर्मी के भी हाथ मिलाने की संभावना जताई जा रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस की ओर से चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को न सिर्फ पंजाब बल्कि दूसरे राज्यों के लिए भी बेहद अहम कदम माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने खासतौर पर उत्तर प्रदेश के किसी राज्य में पहली बार अनुसूचित जाति व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर ऐसा दांव चला है, जिसकी चर्चा राजनीतिक हलकों में हावी होती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी सहित कई दलों के नेताओं से उनकी नियुक्ति का स्वागत किया है। इस पूरे प्रकरण के बाद अब उम्मीद ले लगाई जा रही है कि जल्द ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर से प्रियंका गांधी की मुलाकात कांग्रेस की इसी रणनीति का हिस्सा थी। यह ऐसा मौका है जब अखिलेश यादव की ओर से प्रबुद्ध सम्मेलन और दलित संवाद कार्यक्रमों के जरिए ब्राह्मण और दलितों की भी बात हो रही है। समाजवादी लोहिया वाहिनी ने अलग अलग जिलों में 19 सितंबर 2021 को गांव गांव दलित संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। फिलहाल आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी की भी 29 सितंबर से 23 अक्टूबर तक कई रैलियां और चुनावी यात्राओं का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जिस समय इस गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच बात और आगे बढ़ सकती है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 2022 की चुनावी जंग जीतने के लिए नई हवा है, नई सपा है का नारा दिया है। इसके बाद अखिलेश यादव ने इस नारे के साथ साथ मुलायम सिंह यादव के MY मुस्लिम यादव समीकरण की परिभाषा भी बदल दी है। अखिलेश यादव सत्ताधारी बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के जवाब में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल दबाव दे रहे हैं। ऐसे समय में जब पंजाब का पहला दलित मुख्यमंत्री मिला है, इस पर क्रेडिट लेने में भी कांग्रेस पीछे नहीं है। पार्टी के बड़े विपक्षी नेता दलों को चुनावी चुनौती देते हुए ये बिसात चली है।